हेलो फ्रेंड्स, इसके पिछले वाली क्लास में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए थे। अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। ये ऑल चैप्टर्स के फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आपको स्क्रीन पर फिल इन द ब्लैंक दिखाई देंगे। पहले आपको आंसर गेस करना है, उसके बाद जो आंसर मैं बताऊंगा उसको टिक कर लेना है या लिख लेना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले फिल इन द ब्लैंक से। दोस्तों, पहला फिल इन द ब्लैंक्स ये कह रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन डैश 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 पार्टिकल। दोस्तों, इसका आंसर आप जानते हैं। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। तो यहां पर सॉल्यूट आया। जैसे आप पानी में मिट्टी मिला दो या आटा मिला दो तो वो थोड़ा सा कॉलगेट हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जितना तुम पार्टिकल मिलाओगे सॉल्यूशन उतना ज्यादा कॉलगेट हो जाएगा। दोस्तों, अगला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। आइडियल सॉल्यूशन फॉलोज राउल्ट्स लॉ। ये सही बच्चों को पता होता है। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। एक जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको आइडियल बोलते हैं, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। देखिए दोस्तों, अगला क्या है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज। दोस्तों, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट आपको पता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। फिर देखिए आगे क्या है, पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दोस्तों, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। चलिए आगे देखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पॉजेस। दोस्तों, कोई भी रिएक्शन होती है तो जब वो रूम टेम्परेचर पर होती है तो मॉलिक्यूल्स के पास पहले से कुछ एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होती रहती है, और उस मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं थ्रेस होल्ड एनर्जी। तो इसका आंसर थ्रेस होल्ड एनर्जी होगा। चलिए देखिए आगे क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। दोस्तों, आपके पास थ्री टाइप्स की रिएक्शन है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर भी हो सकती है बट आपके सिलेबस में 3 ही है। यहां फिलहाल उन्होंने सेकंड ऑर्डर का पूछा है, और सेकंड ऑर्डर में जो लीटर की पावर होती है वो प्लस में होती है। तो लीटर, बाकी दोनों इनवर्स में होंगे, मोल इनवर्स और सेकंड भी इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। दोस्तों, अगला, सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड। दोस्तों, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। आप इसको देख लीजिए, टॉलेंस रिएजेंट। 1 फेराडे इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू। दोस्तों, 1 फेराडे में आपको पता है कितना कूलाम होता है, 96,500, 96,500 कूलाम चार्ज होता है, 96,500 कूलाम। दोस्तों, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। दोस्तों, किसी भी रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे N2 प्लस H2, ये मॉलिक्यूल्स का नंबर मोलेक्युलरिटी होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड अ मोलेक्युलरिटी। चाहे वो एटम पूछता नंबर ऑफ एटम, चाहे वो आयन पूछता नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल एंड आयन, इन सबको क्या कहते हैं, मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। दोस्तों, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4 होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले पेज पर। दोस्तों, 11th वाला देखिए, एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड इज। दोस्तों, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होते हैं, और हेक्साडेंटेड लिगेंड में EDTA आता है। EDTA में टोटल 6 डोनर साइट होती है। दोस्तों, इसका आंसर EDTA होगा। दोस्तों, अगला है, फिनॉल इज डैश 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 इन नेचर। दोस्तों, फिनॉल में बेंजीन के ऊपर OH होता है, और जो H होता है वो इजीली निकल जाता है, और H प्लस के निकलने से एसिडिक नेचर आता है। दोस्तों, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। अगला, कॉमन नेम ऑफ C6H6CL6। दोस्तों, ये गामाक्सिन है, इसको हम गामाक्सिन कहते हैं। चलिए अगला, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डैश 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 विद टेम्परेचर। दोस्तों, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो गैस है वो वेपर बन के उड़ जाएगी।
अब गैस वेपर बन के उड़ गई तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर यार लो टेम्परेचर होता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो गैस है वो वेपर बनके उड़ जाएगी, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, डिक्रीज। वहीं दोस्तों अगर यहां लो टेम्परेचर होता, लेस टेम्परेचर होता, तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती, इंक्रीजेस। दोस्तों अगला, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज, दोस्तों रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है और कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाता है, सपोर्ट करता है। दोस्तों अगला है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। दोस्तों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं, और एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होता है। दोस्तों अगला, ऑन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन डैश 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 स्ट्रक्चर इज अनअफेक्टेड। दोस्तों डीनेचुरेशन में प्राइमरी स्ट्रक्चर अनअफेक्टेड रहता है। डीनेचुरेशन क्या होता है, जैसे आप अंडे को उबाल दो तो उसके अंदर का जो योल्क है वो कड़क हो जाएगा, है ना। ऐसे आप दूध को, मिल्क में आप थोड़ी सी खटास डाल दो वो दही बन जाएगा, ठीक है। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर, वो चेंज हो जाता है, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर अनअफेक्टेड। द मेन प्रोडक्ट ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन, दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। सैंडमेयर रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट हेलो एरिन होता है। अब हेलो में हेलोजन आ सकता है, या तो क्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं या ब्रोमोबेंजीन, बट इसका मैक्सिमम टाइम आंसर क्लोरोबेंजीन होता है। दोस्तों अगला, लुकास रिएजेंट इज मिक्सचर ऑफ, दोस्तों लुकास रिएजेंट दो चीजों का मिक्सचर है, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ZnCl2 एंड HCl। अगला, ऑन हीटिंग फिनॉल विद जिंक डस्ट प्रोडक्ट विल बी, दोस्तों जब फिनॉल को जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक और ओ, फिनॉल में बेंजीन के ऊपर OH होता है, तो जो ओ है और ये ZN है, ये ZN ऑक्साइड बना लेता है। अब ZNO बाहर हो गया तो आपके पास सिर्फ H बचेगा, वो H वहीं जुड़ जाता है, तो इसका आंसर होगा बेंजीन। जब फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन बनता है। दोस्तों अगला, अमाइन्स गिव कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, दोस्तों कौन सा अमाइन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन देता है, इसका आंसर है प्राइमरी अमाइन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन देता है, सेकेंडरी अमाइन नहीं देता और टर्सरी अमाइन भी नहीं देता, इसका प्राइमरी अमाइन आंसर आएगा। अमीनो एसिड जॉइंट टुगेदर बाय, दोस्तों बहुत सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, इसका आंसर होगा पेप्टाइड लिंकेज, और अमीनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन बनता है। विद राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, दोस्तों टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा। एक्टिनाइड इज, दोस्तों एक्टिनाइड्स एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, दोस्तों विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो इसका आंसर नाइट ब्लाइंडनेस है। और आपसे विटामिन ए का केमिकल नेम भी पूछ सकते हैं, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल आंखों में होता है, रेटिना, उसी से याद रखना है रेटिनॉल। दोस्तों अगला, फॉर्मूला वुड स्प्रिट इज, दोस्तों वुड स्प्रिट मेथेनॉल को बोलते हैं, मेथेनॉल क्या होगा, CH3OH। दोस्तों अगला, जिंक ZN ओनली सोर्स डैश 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 ऑक्सीडेशन स्टेट, दोस्तों जिंक ट्रांजिशन सीरीज में लास्ट में आता है, और लास्ट में आने के कारण इसका डी ऑर्बिटल पूरा भर जाएगा, इसका 3D10 हो जाएगा। अब इस 3D10 में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, तो बाहर वाली सेल से निकलेगा, इसीलिए इसके पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो जिंक ओनली सो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, दोस्तों किसी भी रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसका आंसर रिएक्टेंट होगा। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दोस्तों ये आपको पता है
1 लीटर में जो सॉल्यूट होता है उसको हम मोलारिटी कहते हैं, तो इसका आंसर मोलारिटी होगा। द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, दोस्तों ग्रीन प्लांट्स में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलता है, वो है आपका क्लोरोफिल। दोस्तों अगला 31 देखिए, एसिटिक एसिड इज अ डिस 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 इलेक्ट्रोलाइट। दोस्तों एसिडिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होगा और इसमें कार्बन है, जिसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वहीं अगर इसमें सोडियम लगा होता CH3COONa वो स्ट्रॉन्ग हो जाता, लेकिन यहां Na नहीं है, सिर्फ H C और O है ना, C H और O, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है इसलिए वीक है। आगे F ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड, दोस्तों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। हीमोग्लोबिन इज कंपाउंड ऑफ आयरन, दोस्तों हीमोग्लोबिन भी एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगला, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओनली अलाउज टू पास, दोस्तों किशमिश के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। आप किशमिश को पानी में डुबा दो, पानी उसके अंदर चले जाएगा, बट आप उसके अंदर मिट्टी मिला दो, आटा मिला दो, तो आटे के पार्टिकल किशमिश के अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि उनका साइज बड़ा है। दोस्तों जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करती है, तो इसका आंसर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आएगा, और किसको पास नहीं करती है, सॉल्यूट। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट को पास नहीं होने देती, सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देती है। दोस्तों अगला, अरहेनियस इक्वेशन इज, दोस्तों अरहेनियस इक्वेशन आप सभी को पता है के ए की पावर माइनस ई ए अपॉन में आरटी। दोस्तों अगला, ट्रांजिशन मेटल्स है वो 4 ट्रांजिशन सीरीज, दोस्तों ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक की होती है, इसमें 4 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। दोस्तों अगला, वाटर सो उसके नीचे भी है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है वो, दोस्तों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में 2 सीरीज होती है, एक तो लैंथेनाइट और दूसरी एक्टिनाइट, 4F एंड 5F, तो देख लीजिए यहां पे इसका 2 आएगा आंसर। इनर ट्रांजिशन में 2 सीरीज होती है और ट्रांजिशन में 4 सीरीज होती है। वाटर सॉल्यूबल विटामिन आर, दोस्तों वाटर सॉल्यूबल विटामिन बहुत बार पूछा गया है, इसका आंसर B, C आएगा, BC विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल। दोस्तों अगला, फेट सोल्यूबल विटामिन आर, दोस्तों फेट सोल्यूशन विटामिन में एडेक आता है, A, D, E और K, विटामिन A, D, E और K एडेक फेट सोल्यूबल होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इन K2Zn(OH)4, दोस्तों OH पर -1 चार्ज होता है, तो इधर आपके पास 4 है और उधर आपके पास K में कितना है, 2। अब 4 में से 2 को माइनस कर दो, कितना बचेगा दोस्तों, 2, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 2। चलिए 41 देखिए, पैरा मैग्नेटिक नेचर अराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, दोस्तों पैरा मैग्नेटिक नेचर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, तो इसका आंसर होगा अनपेयर। दोस्तों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आपसे एक मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट पूछ सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन, BM, ये याद रखिए आप। अगला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, दोस्तों यहां मोल नहीं लिखा है, ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है, और ग्राम इक्विवेलेंट्स में नॉर्मेलिटी आती है, तो इसका सही आंसर नॉर्मेलिटी जाएगा। अगला, विटामिन B12 इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ, दोस्तों विटामिन B12 कोबाल्ट, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, इसीलिए विटामिन B12 का नाम कोबाल एमिन है, तो इसका आंसर आप याद रखिए कोबाल्ट। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड, दोस्तों एल्काइल मतलब R और हैलाइड मतलब X, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, RX। नेचर ऑफ CO लिगेंड, दोस्तों CO ये कार्बोनाइल है और कार्बोनाइल एक टाइप का न्यूट्रल लिगेंड होता है। दोस्तों अगला, नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय एक्वस सॉल्यूशन, दोस्तों ऐसे बड़े से फॉर्मूले आपको दे सकते हैं और आपसे पूछेंगे कितने आयंस देगा, जितना भी ब्रैकेट के बाहर है वही आयंस पानी के अंदर मिलेगा। इसमें देखिए ब्रैकेट के बाहर आपको इधर एक Cl दिख रहा है बस, तो
इसमें आंसर एक ही आएगा क्योंकि एक ही सीएल बाहर है। अगर दो सीएल बाहर होते तो दो आयन देता, तीन होते तो तीन। ऐसे उस तरफ भी होता, अगर ब्रैकेट के आगे की तरफ कुछ बाहर लिखा है वही आयन्स एक्वस सॉल्यूशन में फ्री होते हैं, तो इसका आंसर वन होगा क्योंकि एक ही सीएल बाहर है। ये जो सीएल टू है ना ब्रैकेट के अंदर है। द सेल पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इज कॉल्ड इफ नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। दोस्तों अगर किसी हाफ सेल में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसके पोटेंशियल को हम बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोस्तों अगला, एक्ट एज कैटलिस्ट इन आवर बॉडी। दोस्तों हमारी बॉडी में कैटलिस्ट क्या होते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम्स आर एक्ट एज कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं अपनी बॉडी के, है ना। और अगला क्या है? ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट। दोस्तों अगर आप पानी में बहुत सारा आटा, बहुत सारी मिट्टी मिक्स कर दो और फिर उसको गर्म करोगे तो वो उबलेगा नहीं, है ना, वो बॉयल नहीं होगा क्योंकि वो डेंस हो जाएगा, तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो इंक्रीज करेगा। ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट, अच्छा वेपर प्रेशर पूछा है, वेपर प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, है ना। अब वो पूरा कोलगेट हो गया है तो उससे ज्यादा वेपर आएगी नहीं, है ना। नॉर्मल पानी है तो उससे बहुत ज्यादा वेपर बन सकती है, लेकिन आप पानी में आटा डाल दो, सॉल्यूट डाल दो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दो, अब वो वेपर नहीं बनाएगा, उसकी वेपर डिक्रीज हो जाएगी और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। एसिडिक एसिड स्मेल्स लाइक। दोस्तों एसिडिक एसिड में से विनेगर जैसी स्मेल आती है। तो दोस्तों ये थे हमारी 50 फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम देखने वाले हैं मैच द